स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फार्मासिस्ट विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हृदय रोगों के चलते यानी हार्ट डिजीजेस के चलते 2015 में विश्व में 1,77,00,000 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। सिंगापुर में इस साल के दौरान जितनी मौतें हुई उसमें से 30% हृदय रोगों के चलते थी, लेकिन अब शायद इन पर रोक लगाई जा सके। जेनोम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर व नेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम ने खोज की है जिससे शरीर के अन्य हिस्सों की तरह से हृदय की कोशिकाओं को ऐसा बनाया जा सकेगा जिससे वो खुद जिंदा हो सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि मन और शरीर के बीच बेहद गहरा रिश्ता होता है। यदि किसी चीज का असर मन पर पड़े तो उसका असर शरीर पर पड़ना स्वाभाविक है। चिंता, गुस्सा, दुख और डर कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं जिनका प्रभाव मन और शरीर दोनों पर ही पड़ता है। मनोभाव शरीर में ऐसे केमिकल पैदा करते हैं जो बीमारियां पैदा होने का कारण बन सकते हैं। मन सकारात्मक होता है तो यह शरीर को सिग्नल भेजता है कि वह ऐसे केमिकल छोड़े जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार लाए। हृदय को छोड़कर शरीर के बाकी हिस्सों की कोशिकाओं में सेल्फ हीलिंग यानी पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। संस्थान के वैज्ञानिक रोजर फू का कहना है कि नॉन कोडिंग रिबोन्यूक्लिक एसिड हृदय की कोशिकाओं को पुनर्निर्माण की क्षमता प्रदान करता है। फू का कहना है कि सिंग हार्ट नाम के इस एसिड से हृदय की कोशिकाओं को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शोध के दौरान यह भी पता चला कि हृदय की कोशिकाओं में फिर से जिंदा होने की क्षमता इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि वहां कुछ अवरोध होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हें हटाकर भी व्यक्ति को नया जीवन दिया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।